आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। बीती रात तिनसुकिया चिवरापट्टी स्थित होटल सफायर में आयोजित शादी में कैटरिंग का काम करने आए लोगों में से एक की हत्या हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आरोपों के अनुसार कैटरिंग के श्रमिकों से होटल के बाहर पहले होटल के सिक्योरिटी वालों ने झगड़ा किया। इसी बीच किसी अन्य व्यक्ति ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। चिवरापट्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि होटल सफायर में होने वाली शादियों में जमकर दारूबाजी होती है। रात भर डीजे बजता है, जिससे अंचल के लोग रात भर सो भी नहीं पाते हैं। होटल में शराब बेचने का अनुज्ञा पत्र भी होटल मालिक पर नहीं है, इसके बावजूद अक्सर होटल में दारू पार्टी होती है। इस विषय में अंचल के लोगों का कहना है कि अब होटल सफायर पर लगे इन गंभीर आरोपों के बाद तिनसुकिया जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। যে হোটেল খুলিছে বুলি আমি গম পাইছো, ইতিমধ্যে আমি দেখিছো যে কেদিন পৰা ইয়াত ৰাতি মেৰিজ পাৰ্টি হৈ আছে। হ্যাঁ, বহুত মানে ডাঙৰ কেটা মানে সাউণ্ড ওলায়, মিউজিক সিষ্টেম তাহাঁতি বজায়, আৰু এটি দেখিছো যে ৰাতি মদ খাই নিজে মতৱালা হৈ মানুহকেইটা আজি যিটো ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে, এইটো অতি নন্দনীয় আৰু দুখজনক। আৰু যিজনৰ পৰিয়ালৰ এইটো মানুহ, এতিয়া গম পাইছোঁ যে এটা মানুহ মৰিছে বুলি আৰু কেইজনমান ঘাইল আছে, তার কারণে আমি গভীর দুঃখ প্রদান ই করছো, দুঃখ প্রকট করছো। আর যিজন হোটেল মালিক আছে তেখেতর মানে এটু এটা হেৰি কারণে তেওঁ দিছিলে, বিয়ার বার খুলিব কারণে। এটু আমি চিরাপতি দেবী মন্দির সমিতির ফালে পড়া আমি হাইকোর্টলে হেৰি করেছিলো, অপিল করেছিলো।